नमस्कार दोस्तों, एनएफ रेलवे यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने एक रिक्रूटमेंट नोटिस रिलीज किया था। कार्सरल कोटा के अंदर दो पोस्ट उन लोगों ने रिलीज किया हुआ है, एक है सिंगर और एक है डांसर। तो इन दोनों पोस्ट के लिए उन लोगों ने इस रिक्रूटमेंट नोटिस को रिलीज किया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस पोस्ट के लिए, इन दोनों पोस्ट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस पोस्ट के बारे में डिटेल्स में आपको नहीं पता, तो मैं इस पेज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप इस पेज पे आ सकते हैं और पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और हमने और एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस फॉर एनएफ रेलवे के इस रिक्रूटमेंट के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हो सकता है और इसका सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर उसका सिलेबस या रिटेन टेस्ट है एक स्टेज पे, उस रिटेन टेस्ट में आपको क्या सिलेबस होगा, क्या क्या पढ़ना होगा आपको, तो वो भी यहाँ पे हमने पूरा डिटेल्स दे दिया है। मैं दोनों आर्टिकल्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से स्पेस पे आ सकते हैं और देख सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन अगर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफलाइन है, फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट लिंक्स है, जहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ कि डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो मैंने क्लिक किया है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं वही आपको दिखाऊंगा। तो ये डाउनलोड हो जाएगा और ये इस जो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा उस पर दो चीज़ है, यानी कि आपका जो नोटिफिकेशन यानी कि एडवर्टाइजमेंट वो भी है और एप्लीकेशन फॉर्म भी है। तो आपको यहाँ पे फाइंड पे या फिर आप कंट्रोल प्लस एफ क्लिक कर सकते हैं फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे आपको पेज नंबर आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1 अभी सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना है 5। तो और 5 लिख के आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे आप इस फॉर्म पे आ जाएंगे। यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है जिसपे आपको अपना डिटेल्स भर के आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, एनएक्सआर ए है। यहाँ पे 3 फॉर्म दिया हुआ है, एक तो मेन फॉर्म है जिसपे आपको अपना डिटेल्स भरना है, उसके बाद और एक फॉर्म दिया हुआ है जिसमें जो कि फॉर्मेट फॉर इनकम सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, जो इनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए इस फॉर्म को भरना ज़रूरी है। और उसके बाद तीसरा फॉर्म आता है जो कास्ट सर्टिफिकेट वाले हैं, एससी एसटी वाले हैं, उनके लिए ये फॉर्म है। और इसको आपको फिलअप करके आपको शायद आपका जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है वहाँ से, उस ऑफिस से आपको ये काउंटर सिग्नेचर करके लाना है और आपको भेज देना है। और यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए भी है, तो ये तीनों कास्ट के लिए है, ओबीसी वालों के लिए भी है और एससी एसटी वालों के लिए भी है, और ये है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और ये है मेन फॉर्म। तो मेन फॉर्म पे आपको क्या क्या डालना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फ़ोटो डालना है, और यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है कि आपको कहाँ पर भेजना है ये वाला एप्लीकेशन जो है वो आपको कहाँ पर भेजना है वो भी हम दिखा देंगे, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो अगर जब आप इस पेज को प्रिंट करना चाहेंगे तो आप अगर आप कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल सिलेक्ट हुआ है, तो ये आपको पेजेस पे आना है और यहाँ पे इस 1 के जगह पे आपको देना है 5। जैसे ही आप 5 देंगे, 5 to 9, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आप ओके प्रेस करेंगे तो प्रिंट जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट हो जाएगा, बाकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रिंट नहीं होगा। तो अगर आप खुद प्रिंट करते हैं तो भी आप कर सकते हैं ऐसे, और या फिर आप कोई भी शॉप पे जाके करेंगे तो भी उनको बता दीजिएगा, वो ऐसे कर देगा। तो यहाँ पर आपको देना है अपना नाम देना है, और मेल सिंगर फीमेल डांसर, तो यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, वो भी ब्लॉक लेटर्स में यानी कि अपर केस में लिखना है आपको अपना नाम। उसके बाद फादर्स या फिर मदर्स नेम,
किसी एक का आपको नाम देना है यहाँ पे, आप फादर्स नेम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देना होगा आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ देन ईयर, और ये आपको डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम और पेरेंट्स नेम ये सब आपको अपना टेंथ के सर्टिफिकेट में जो है वो ही आपको देना पड़ेगा। उसके बाद प्रेजेंट एज, अभी 1/1/2020 पे आपका एज क्या हुआ है वो भी आप यहाँ पे लिख दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना मेल फीमेल, आप यहाँ पे टिक मार्क, यहाँ पे आपको टिक मार्क देना पड़ेगा, नेशनलिटी लिखना पड़ेगा, इंडियन, रिलीजन आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कम्युनिटी, अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी जो भी होगा आपका यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी होते हैं तो यहाँ पे एनएक्सआर ई और एफ दिया हुआ है जो हमने आपको दिखाया था ये वाला, वो आपको यहाँ पे इनक्लस करना है, यानी कि वो भर के यहाँ पे देना है, इसके साथ आपको फेस देना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है टू मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपका शरीर पे कोई भी मार्क हो, ये काट मार्क हो सकता है, मोल हो सकता है, ये सब आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दो देना पड़ेगा। उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन विथ पिन, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, विलेज लिख सकते हैं, विलेज या फिर टाउन, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखना ज़रूरी होता है, पोस्ट ऑफिस विलेज या फिर टाउन, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, और स्टेट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। वैसे परमानेंट एड्रेस भी देना है, अगर आपका सेम है तो यहाँ पे आप कैपिटल अपर केस में यहाँ पे सेम लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं सेम। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको देना है, आपके घर से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, अगर ये देना है क्योंकि एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पे पास शायद जो आने जाने का खर्चा होगा वो शायद वो लोग देगा, तो यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम देना पड़ेगा जहाँ से आपका टिकट इशू होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और उसके बाद आपको यहाँ पे देना है कि आप आपका टेंथ का बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी ये सब भरना है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भरना है, टेंथ का आईटीआई अगर है, ट्वेल्थ का, और डिग्री का, अगर आप डिग्री तक गए हैं तो डिग्री का देना पड़ेगा, आईटीआई है तो देना पड़ेगा, और टेंथ और ट्वेल्थ ये दोनों कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, डिविजन, ये सब भर दीजिएगा। उसके बाद ये पूरा फॉर्म आप फिलअप करने के बाद आपको भेजना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पेज पे अगर आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ भेजना है आपको, तो यहाँ पे भेजना है आपको, और इस फॉर्म पे भी लिखा हुआ है कि कहाँ भेजना है, यहाँ पे टू सीनियर पेंशनर ऑफिसर, और यहाँ पे भी लिखा है सीनियर पेंशनर ऑफिसर रिक्रूटमेंट, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एच क्यू, यानी कि हेडक्वार्टर, मालेगांव गुवाहाटी, 781001, डिस्ट्रिक्ट कामरूप, मेट्रो असम। तो इस एड्रेस पे आपको भेज देना है, और आप जो एनवेलप यूज़ करेंगे उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन अगेंस्ट कल्चरल कोटा, ई एन नंबर, यानी कि एप्लीकेशन नंबर 03/2019 GP 1900 डिसिप्लिन - कम्युनिटी - तो डिसिप्लिन में आपको अपना डिसिप्लिन देना पड़ेगा जो भी है, और कम्युनिटी भी दे देना पड़ेगा। ये सब लिख के आपको आपका जो एनवेलप होगा उस पर आपको ये लिखना पड़ेगा, और ये टू पे ये लिख देंगे, और फॉर्म जहाँ से आप अपना एड्रेस दे देंगे, और आप पोस्ट कर सकते हैं। और हाँ, और एक चीज़ इसके साथ आपको एक और चीज़ एनक्लोज करना पड़ेगा, वो है कि एप्लीकेशन फ़ी। तो आपको एप्लीकेशन फ़ी जो है वो NF रेलवे मालेगांव पोस्ट ऑफिस के आप IPO भी दे सकते हैं यहाँ पे, हाँ 500 रुपीज़ का IPO भी दे सकते हैं, 500 रुपीज़ फॉर ऑल एंड 400 रुपीज़ फॉर जी नहीं, तो 500 रुपीज़ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। आप IPO भी दे सकते हैं, कोई भी आप पोस्ट ऑफिस पे जाएंगे वहाँ से आप IPO लेंगे 500 का, आप 100 का 5 ले सकते हैं, और यहाँ पे सिप का देना पड़ेगा आपको। और एग्ज़ाम के बाद आपको शायद ये लोग 400 रुपीज़ वापस कर देंगे, तो ये करके आप भेज दीजिएगा इस एड्रेस पे। तो फ्रेंड्स, आप अपना फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म है, फिर भी हमने एक वीडियो बना के आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया है, तो आप अपना फॉर्म भेज सकते हैं। और
इंडिया के कहीं से भी आप भेज सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।